इम्पॉर्टेंट, हमारा पासवर्ड ही शेयर होता है जिसकी वजह से इंफॉर्मेशन हमारी लीक हो जाती है, या लिंक शेयर हो, लिंक पे हम क्लिक कर देते हैं, देन इवेंचुअली वो फाइनली जो है क्रिमिनल जो है वो पासवर्ड ही हमारे से मांगता है या पिन नंबर मांगेगा हमारे से। इंटरनेट बैंकिंग अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो पिन का मांगेगा, क्रेडिट कार्ड का कोई जैसे हमारे पास कोई मैसेज आ जाता है अचानक कि आपका अमाउंट जो है ख़त्म होने वाला है, एंड वी गिव यू द ऑप्शन कि हम इसको इंक्रीज कर देंगे, एंड दे गिव सर्टेन ऑप्शंस, तो उसको एक्सेप्ट करते हैं और बगैर सोचे समझे हम कई बार एक्सेप्ट कर लेते हैं, जिससे हमारी पर्सनल डाटा जो है उनके साथ शेयर हो जाता है, यूजली हमारा यूजर नेम और पासवर्ड प्लस पिन, उसके बारे में हमें अवेयर रहना है। उसके बाद जो है वंस द नेटवर्क हैज़ बीन कॉम्प्रोमाइज, साइबर क्रिमिनल्स जो हैं स्निफर्स इंस्टॉल करते हैं, वो अलाउ करते हैं जो कैप्चर करते हैं आपके यूज़र आईडी और पासवर्ड और अदर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जो वहाँ से निकालते हैं। सो नंबर वन जो है साइबर क्राइम आज के टाइम में जो है दैट इज़ अनऑथराइज एक्सेस जिसको हम बोलते हैं, इसका मतलब है कि हम वो हमारे बगैर परमिशन के एंट्री करता है और जो है इंस्ट्रक्टिंग और कम्युनिकेटिंग विद लॉजिकल अर्थ, हमारे जो लॉजिकल और अर्थमैटिक मेडिकल जो कंप्यूटर के फंक्शंस होते हैं, सिस्टम्स या नेटवर्क होते हैं, उनकी एक्सेस गेन करने की कोशिश करता है और वो एक्सेस कर लेता है जिसको हम अनऑथराइज एक्सेस करते हैं। इसका मतलब ये है कि अनऑथराइज एक्सेस जो है वो देयर फॉर मीन एनी काइंड ऑफ एक्सेस विदाउट द परमिशन ऑफ आइदर द राइटफुल ओनर जो उसका है या पर्सन जो इंचार्ज है उस सिस्टम का, कंप्यूटर का या मोबाइल डिवाइस का या नेटवर्क का। नेक्स्ट जो है वो ट्राई करते हैं हैकिंग की, क्रैकिंग की या वेब हाईजैकिंग की, वेबसाइट को भी वो हाईजैक कर लेते हैं। ऐसे कई केसेस आ रखे हैं इंडिया के अंदर, आप जानते भी होंगे इफ़ यू उसमें ये एक्चुअली जो है हैकर्स जो है राइट करता है रेडीमेड कंप्यूटर प्रोग्राम करता है टू अटैक द टारगेट कंप्यूटर करने के लिए, और दे पोसेस द डिज़ायर टू डिस्ट्रक्ट एंड दे गेट द किक आउट ऑफ सच डिस्ट्रक्शन, उनको एक किक मिलती है ऐसा करने से। और कुछ हैकर्स जो हैं वो पर्सनल मॉनेटरी, वैसे तो पर्सनल मॉनेटरी गेन उनका मकसद ही होता है कि उनको प्रॉफिट मिले, और सच एज टू स्टीलिंग द क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन, ट्रांसफरिंग मनी फ्रॉम वेरियस बैंक अकाउंट्स और अपने अकाउंट में उनको ट्रांसफ़र करके विड्रॉ कर लें। उसके बाद जो है क्रैकर्स में स्टील और मॉडिफाई डाटा भी मॉडिफाई कर देते हैं या इन वायरस इंसर्ट कर देते हैं जिससे सिस्टम भी हमारा डैमेज हो जाता है। उसके बाद जो है स्पूफ वेबसाइट्स वो यूज़ करते हैं और कई बार जो है ईमेल के सिक्योरिटी अलर्ट्स भी वो भेज देते हैं, तो पॉपअप सा मैसेज अगर ईमेल हम खोलते हैं तो हमारी ईमेल में आता है तो हम कई बार देखते हैं कि ये कोई इंपॉर्टेंट मेल होगी या कोई अलर्ट होगा या उसमें बैंक का अलर्ट जैसे वो आइकॉन सा लगा देंगे जो वो पॉपअप करेगा। वो कई बार जो है स्पूफ वेबसाइट्स वो होती हैं जैसे बैंक की जो वेबसाइट है उससे मिली जुली एक वेबसाइट वो फिर तैयार करके जो है हमारे को दे देती हैं और हमारे को एक मैसेज आ जाता है, तो हम उसको देखते हैं कि शायद ये बैंक से मैसेज आया है, बट अदरवाइज जो है ये एक स्पूफ वेबसाइट होती है और बैंक्स वाले यूजली कभी ऐसा करते नहीं हैं। तो हमारा ये फर्ज बनता है कि सबसे पहले हम बैंक में कॉल करके पूछें कि आपने कोई हमारे को ऐसा ईमेल मैसेज किया है कि नहीं किया, तो जिससे कि हम फर्दर इंफॉर्मेशन को बता सकें। जैसे कि मैंने आपको बताया है यहाँ आप देख भी सकते हैं कि फ्रॉडर्स जो है क्रिएट करते हैं एक ऑथेंटिक लुकिंग वेबसाइट दैट आर एक्चुअली नथिंग बट ए स्पूफ होती है, जो जो पर्पस होता है इन वेबसाइट का इज टू मेक द यूजर एंटर पर्सनल इंफॉर्मेशन उसमें अपनी एंटर करे, और दिस इंफॉर्मेशन इज देन यूज टू एक्सेस बिजनेस एंड बैंक अकाउंट्स जो उनके होते हैं वो इंफॉर्मेशन यूज की जाती है। इफ़ यू एवर गेट एन, जैसे यहाँ मैंने लिखा है एन एम्बेडेड लिंक एंड ए रिक्वेस्ट फॉर यू टू एंटर सीक्रेट डिटेल्स ट्रीट इज एज ए सस्पिशियस, हमेशा इसको जो है आप सस्पिशियस ट्रीट कीजिए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। और डू नॉट इनपुट उसमें जो है आप अपनी कोई भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन मत डालिए जिससे कि उसको एक्सेस मिले आपके अकाउंट्स तक जाने की, और इवन द पेजेस अपीयर जो है हमारे को लेजिटिमेट यूज़ होते हैं। और जैसे लास्ट में आप देख सकते हैं कि नो रेप्यूटेबल कंपनी एवर सेंड्स ईमेल ऑफ दिस टाइप। उसके बाद हमारे को कई बार वायरस की होक्स ईमेल्स भी मिलती हैं जिसको हम यूजली कई बार जो है क्लिक कर देते हैं। मैनी ई मेल्ड वार्निंग्स अबाउट वायरसेस आर होक्सेस, कई बार वायरसेस के बारे में आ जाती हैं कि आपके सिस्टम के अंदर वायरस आ गया और ये हमारा प्रोडक्ट है आप इसको क्लिक कीजिए फ्री में डाउनलोड कर लीजिए, तो यू हैव टू बी कॉशियस अबाउट इट, वो जो कि एक प्योरली एक कंसर्न है हमारे लिए जिससे कि हमारा पर्सनल इंफॉर्मेशन निकल जाता है। लेकिन कई बार ये होता है कि वार्निंग्स जो है जनरल भी होती है लेकिन इसको आप लाइटली मत कीजिए, बट ऑलवेज चेक द स्टोरी आउट बाई विजिटिंग एनी एंटीवायरस साइट, उस पर आप विजिट करके देख लीजिए
जैसे कि मैकेफी की है, सोफोस की है, सीमेंटिंग है, बिफोर टेकिंग एनी एक्शन इंक्लूडिंग फॉरवर्डिंग देम टू फ्रेंड्स एंड कुलीग्स, को उसको फॉरवर्ड कीजिए। लॉटरी फ्रॉड्स बहुत हैं, जैसे कि लेटर्स या ईमेल आपको आएगा कि आपने एक प्राइज जीत लिया है, और उसके बाद वो आपसे सर्टेन इंफॉर्मेशन मांगना शुरू कर देते हैं, और टू गेट द मनी यूजली हमारे को लालच आ जाता है और रिसिपियंट जो है उसको वो रिप्लाई कर देता है। उसके बाद जो है रिप्लाई करने के बाद एक अनदर भी ईमेल आती है आस्किंग फॉर बैंक डिटेल्स सो दैट द मनी कैन बी डायरेक्टली आपको मिल जाए, और इसके लिए वो थोड़ा सा उसको वो कहते हैं कि हम आपसे प्रोसेसिंग फी या हैंडलिंग फीस को जो है हम चार्ज करेंगे, तो काइंडली जो है आप हमारे को ये अपने कार्ड से जो है ये प्रोसेसिंग फी जो है हमारे को भेज दीजिए। लेकिन ये ऐसा होता है कि ऑफ कोर्स द मनी इज नेवर ट्रांसफर्ड इन दिस केस, द प्रोसेसिंग फीस इज स्विंडल्ड हो जाती है एंड द बैंकिंग डिटेल्स आर यूज, वो अदर टाइप्स के फ्रॉड्स या स्कैम्स में यूज हो जाता है। फिर स्पूफिंग एक वर्ड है जो आज के टाइम में बहुत प्रचलित है, जिसका मतलब है कि इलीगल इंट्रूजन इसको बोला जाता है, बट इट लुक्स लाइक एज पोजिंग एज ए जेन्युइन यूजर। सो जो हैकर्स है वो लॉग इन करता है कंप्यूटर इलीगली यूजिंग ए डिफरेंट आइडेंटिटी देन हिज ओन, एंड ही इज एबल टू डू दिस बाय हैविंग प्रीवियसली ऑब्टेंड एक्चुअल पासवर्ड। अब वो एक्चुअल पासवर्ड कैसे ले लेता है, क्योंकि यूजली हम क्या करते हैं, हम कहीं भी जाते हैं मार्केट प्लेसेस में, मॉल्स में जाते हैं या पेट्रोल पंप्स में जाते हैं या बैंक्स में जाते हैं, तो यूजली एंटर द पासवर्ड्स, पेट्रोल लेना है हमने उसके लिए या हमने शॉपिंग करी है उसके लिए पासवर्ड। तो देख साइबर क्रिमिनल का काम यही है कि वो कीप ऑन वॉचिंग ऑल द एक्टिविटीज़। दीज क्रिमिनल्स का जॉब 24/7 है, उनका काम है सिर्फ वल्नरेबिलिटी ढूंढना, पासवर्ड ढूंढना, यूजर नेम को ढूंढना, ईमेल को ट्राई टू स्पूफ ईमेल बना के भेजना, दैट इज़ देयर जॉब। एंड और कोई ना कोई विक्टिम उनके जो है इस झांसे में आके जो है वो शेयर कर जाता है इंफॉर्मेशन। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल वाइल हैंडलिंग योर पर्सनल ईमेल अकाउंट्स, आपका जो बैंकिंग का यूजर नेम और पासवर्ड है उसको यूज करते हुए। सो जो है वो अपनी नई आइडेंटिटी को क्रिएट करता है